जय हिंद। सीआरपीएफ की तरफ से नई वैकेंसी जो है जारी की गई, जिसका नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो चुका है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इस बात करने वाले हैं कि जो इसका ऑनलाइन फॉर्म है वो कब से स्टार्ट होगा और क्या क्या वैकेंसी है और किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी वो जारी हुई है। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको कंप्लीट जानकारी स्टेप बाय स्टेप मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम आपको दिखा दें सेंट्रल रिजर्व पुलिस यहाँ है एएसआई हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल 2022 की तरफ से जो है देख सकते हैं वैकेंसी वो जारी हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा वैकेंसी यहाँ पे है, दो नंबर में यहाँ पे वैकेंसी हम देख सकते हैं। वैकेंसी जो हमारी है एएसआई सब इंस्पेक्टर स्टेनो यानी एएसआई की जो वैकेंसी है एएसआई, और साथ में एससीएम हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी जो यहाँ पे देख सकते हैं। टोटल पोस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें कि एएसआई का पोस्ट जो है वो 143 है और हेड कांस्टेबल की जो पोस्ट है वो 1315 पोस्ट यहाँ पे दी गई है। दोस्तों आप अपनी कैटेगरीज वाइज यहाँ पे वैकेंसी यहाँ पे देख सकते हैं किस कैटेगरीज में कितनी वैकेंसी है। यहाँ पे नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप यहाँ पे जाके सिंपली देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ के पे स्केल की बात करें तो पे स्केल जो हमारा रहेगा इसमें 7 CPC के तहत हमारा जो है वो पे स्केल होगा, जिसमें कि ESI का पे स्केल 5वें लेवल का है और जो हेड कॉन्स्टेबल का है वो पे लेवल 4 का होगा। मतलब कि पे मैट्रिक्स में 19,200 से 92,300 ASI और 25,500 से 81,100 रुपये हेड कांस्टेबल का रहने वाला है। दोस्तों आ जाते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट की बात कर लें तो हमारा एज लिमिट कब से काउंट होगा और कौन कौन इसमें फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, तो बात कर लेते हैं एज लिमिट। यहाँ देख सकते हैं जो हमारा कैंडिडेट एज लिमिट ऑफ कैंडिडेट शुड बी फ्रॉम 18 से 25, यानी जो 18 से 25 के कैंडिडेट 18 साल से 25 साल के बीच में जो भी कैंडिडेट आते होंगे वो सारे लोग वहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। जो हमारा एज का कैलकुलेट किया जाएगा वो 25 जनवरी यानी 25 जनवरी जो दो है वो 2023 से जो हमारा एज जो है वो कैलकुलेट जो है वो किया जाएगा। कैंडिडेट मतलब जो हमारा है वो 26/1 यानी 26 जनवरी 1998 की उनके पहले की जन्मतिथि नहीं होनी चाहिए, और जो लास्ट डेट की रखी गई है 25 जनवरी 2005 के बाद की कैंडिडेट की जन्मतिथि नहीं होनी चाहिए, वो लोग ही यहाँ पे एलिजिबल है। दोस्तों इस रिलैक्सेशन की नीचे हम बात करने वाले हैं। चलिए आगे हम बताएंगे किन लोगों को कितना उम्र जो है छूट दिया जाएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो हमारा है वो 4थे नंबर में आप देख सकते हैं। कैंडिडेट मस्ट हैव पास इंटरमीडिएट 10+2 और इक्विवेलेंट एग्जाम फ्रॉम ए बोर्ड और यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल और गवर्नमेंट, यहाँ पर देख सकते हैं दिया हुआ है, और इसको अप्लाई कैसे करना है यहाँ पे सारा इन्होंने प्रोसेस दिया हुआ है, कब अप्लाई कर सकते हैं सारी डिटेल्स हम आपको बताने वाले हैं। नीचे चलिए डिटेल में हम जानते हैं क्या क्या यहाँ जानकारी दी है। तो हमारा सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे नोटिस आ जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं ASI स्टेनो CRPF यहाँ पे देख सकते हैं हेड कांस्टेबल। तो इसकी ऑनलाइन की बात करें तो ऑनलाइन आपका जो है वो स्टार्ट डेट है, यहाँ पे स्टार्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन का वो 4 जनवरी 2023 से हमारा फॉर्म जो है वो फिल होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको बता दें दोस्तों कि यहाँ पे लास्ट डेट जो इसकी रखी गई है, जो लास्ट डेट रखी गई है एप्लीकेशन की वो 25 जनवरी 2023 जो है वो लास्ट डेट रखी गई है। मतलब 4 जनवरी से लेके आप जो है वो 25 जनवरी तक ही इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसकी डेट इन्होंने कोई बताया नहीं, आप इससे पहले फॉर्म भर दें, डेट बहुत ही कमी चांस होता है भरने का, तो 25 जनवरी इसकी लास्ट डेट रखी गई। जो इसका एडमिट कार्ड का भी डेट आ गया है, यहाँ पे देखिए जो एडमिट कार्ड का भी डेट इन्होंने जो है वो जारी कर दिया है इसी जो है नोटिफिकेशन में, तो इसका एडमिट कार्ड 15/2/2023 यानी 15 फरवरी को जो है वो एडमिट कार्ड यहाँ पे रिलीज हो जाएगा, और एग्ज़ाम डेट जो देख सकते हैं CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड यानी कंप्यूटर पे आपका एग्ज़ाम होगा वो 22 से 28 फरवरी यहाँ पे रखा गया है। टेंटेटिव मतलब है ये चेंज भी हो सकता है, लेकिन जहाँ तक तो होता है चेंज ना ही हो, क्योंकि 22 से 28 फरवरी यहाँ पे डेट इन्होंने दे दिया है। आ जाते हैं नीचे और देख लेते हैं जो प्रोसेस है यहाँ पे क्या क्या यहाँ पे दिया हुआ। नंबर यहाँ पे देख सकते हैं 2रे नंबर पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल बी कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब कंप्यूटर बेस्ड होगा यानी CBT होगा यानी कंप्यूटर आपका जो है वो एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका जो है वो स्किल टेस्ट दिया हुआ है यानी CBT के बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। या 2 नंबर 2 हो गया CBT और स्किल टेस्ट, और तीसरा जो फिजिकल स्टैंडर्ड यानी PST जो आपका 3रे नंबर पर हो गया, यानी पहला हो गया CBT आपका जो हो गया, और दूसरा जो हो गया स्किल टेस्ट हो गया, और तीसरा जो है आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी PST होगा। उसके बाद जो है जो कैंडिडेट इस तीनों में पास हो जाएंगे उनका जो है DB के लिए बुलाया जाएगा यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका होगा मेडिकल यानी DME होगा, DME और RME, इनका मेडिकल में नहीं हो पाता उनका री मेडिकल लगता है, यानी DME और RME उसके बाद होगा। हम आपको फिर से एक बार बता दें कि यहाँ पे 2 नंबर में यहाँ क्लियरली मेंशन किया गया है, यहाँ पे जो सबसे पहले CBT होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद जो फिजिकल होगा, उसके बाद DB होगा, उसके बाद मेडिकल और RME यहाँ पे रखा गया है। तो देख लेते हैं जो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन मोड पे यहाँ पे वो जो है एक्सेप्ट किया जाएगा।
कंप्यूटर बेस्ड जो एग्ज़ाम होगा हिंदी इंग्लिश में होता है, सिर्फ हिंदी इंग्लिश में होगा। और स्किल टेस्ट जो हमारा है वो जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में, आप चाहें तो हिंदी में दे सकते हैं, आप चाहें तो जो है वो इंग्लिश में इसे देख सकते हैं। जो इंग्लिश में इसकी स्पीड रखी गई है वो 35 WPM यानी 35 वर्ड पर मिनट में आपको जो है वो एग्ज़ाम यहाँ पे स्किल टेस्ट वहाँ पे देना होता है। इसके बाद होगा मेडिकल या DME RME, मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ बताया है। ये वैकेंसी जो है ऑल इंडिया बेसिस पे है, यहाँ पे वो रखा गया। आ जाते हैं नीचे, वो देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे दिया हुआ है। मैंने आपको पहले ही जो है पे स्केल के बारे में बता दिया, वैकेंसी भी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कैटेगरीज वाइज यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है, आप चाहें तो इसे यहाँ पे पढ़ सकते हैं। जो यहाँ पे 10% वैकेंसीज होती हैं यहाँ, ये एक सर्विस मैन के लिए जो रिजर्व होती है, यहाँ पे क्लियरली मैंशन किया गया है पैरा में 4.2 पैराग्राफ में। यहाँ पे 10% वैकेंसी जो एक सर्विस मैन के लिए होता है। और रिजर्वेशन की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं रिजर्वेशन एंड सूटेबिलिटी पोस्ट के, यहाँ पे SC ST के यहाँ पे रिजर्वेशन एक सर्विस मैन के यहाँ पे कुछ प्रोसेस दिया गया है। नेशनलिटी, सिटीजनशिप, ये सारी चीज़ें इंडियन होना चाहिए। एज लिमिट यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, यहाँ पे क्लियरली मैंशन किया गया है अच्छे से। और रिलैक्सेशन आ जाते हैं यहाँ पे, जो एज रिलैक्सेशन यहाँ पे है ये इंपॉर्टेंट है, मतलब किस कैटेगरी को कितनी रिलैक्सेशन मिलने वाली। जो SC ST कैंडिडेट है एक नंबर में देख सकते हैं, उनको 5 साल की छूट मिलेगी, मतलब 5 साल के। यहाँ एज लिमिट अगर आपका जो है वो यहाँ पे अगर 98 है तो 5 साल इसमें से माइनस कर दीजिए, यानी तो 1993 के जो कैंडिडेट हैं, 1993 के वो लोग भी यहाँ पे अप्लाई इस फॉर्म को कर सकते हैं एज रिलैक्सेशन मिला के। और जो OBC के कैंडिडेट हैं उनको सिर्फ 3 साल का ही दिया जाता है, OBC को 3 साल का जो है वो रिलैक्सेशन यानी छूट दिया जाता है। जो कि OBC वाले जो है वो जिनका डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1995 होगा, 1995 वाले कैंडिडेट यहाँ पे जो है वो अप्लाई कर पाएंगे क्लियरली, जनवरी 1995 के कैंडिडेट। और बाकी एक सर्विस मैन के लिए यहाँ पे 3 साल, और बाकी यहाँ पे कैटेगरीज यहाँ पे दिया हुआ है, आप चाहें तो अगर उसमें से कोई आते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं। आ जाते हैं नीचे, यहाँ पे देख लेते हैं कुछ, यहाँ पे काफ़ी एज रिलैक्सेशन और काफ़ी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन करी गई हुई अच्छे से। वो जो हमारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है, जो हमारा 10+2 मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन का प्रोसेस है, हाउ टू अप्लाई स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि हमारे चैनल पे 2-4 तारीख को जो है वो 4 जनवरी से इसका ऑनलाइन फॉर्म जो है वो ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी कंप्लीट वीडियो आप हमारे चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ पे देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे कि फॉर्म को कैसे फिल करना है बिना किसी एरर के, बिना किसी जो है वो गड़बड़ी किए हुए इस फॉर्म में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको कंप्लीट जानकारी जो है स्टेप बाय स्टेप मिल जाए, फॉर्म भरने से लेकर एकदम पूरा फाइनल प्रिंट तक हम आपको कंप्लीट प्रोसेस जो है बताते हैं। उसमें कोई भी अगर डाउट होता है तो आप डायरेक्टली हमसे कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये रही कुछ जानकारी यहाँ की, यहाँ पर देख सकते हैं अप्लीकेशन फीस भी हम आपको बता दें, 100 रुपये रखी गई। SSC जो है वो यहाँ पे 100 रुपये लेती है, और CRPF का भी जो है 100 रुपये यहाँ पे रखा गया है ओबीसी और जनरल के लिए, और SC ST के और फीमेल के लिए कोई भी फीस यहाँ पे रखी नहीं गई। बाकी यहाँ पे आपका सेंटर दिया हुआ कंप्यूटर बेस्ड, मतलब आपका किस किस स्टेट के हैं तो आपका सेंटर कहाँ कहाँ डाल सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन करी गई हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन में। नोटिफिकेशन काफ़ी लंबा है, तो जल्द ही हम आपको सारी चीज़ें यहाँ पे बता देंगे। और फिजिकल का देख लेते हैं, जो फिजिकल हमारा होगा वो क्या क्या है यहाँ पे फिजिकल में मांगा गया है। तो मेल कैंडिडेट जो है वहाँ पे मेल कैंडिडेट हाइट इनकी 165 होनी चाहिए, 165 इनकी सेंटीमीटर में हाइट होनी चाहिए, और चेस्ट जो है 77 या 77 होना चाहिए, जो कि 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड करके जो है 82 होना चाहिए। और जो यहाँ पे कैंडिडेट दिए हुए हैं गोरखा या ग्वालियर, कुमाऊनी, डोगराज, वो भी यहाँ पे 162 यहाँ पे दिया गया है। ऑल कैटेगरी बिलोंगिंग टू SC ST, मतलब जो जितने भी कैंडिडेट ST से बिलोंग करते हैं, 162.6 यहाँ होगा, और उनका चेस्ट जो 76 और एक्सपेंड करके 81 यहाँ पे होने वाला है। और जो फीमेल कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट का जो है वो 1.55 हाइट मांगा गया है, 1.55 जिनकी हाइट होगी वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जो फीमेल कैंडिडेट यहाँ पे ST से बिलोंग करती है, शेड्यूल ट्राइब्स से, उनका जो हाइट है वो 1.50 यहाँ पे रखा गया है, इनकी छूट जो है 5 सेंटीमीटर मिलने वाला है। यहाँ पे सारी जानकारी यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे देख सकते हैं, सारी यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करी गई हुई। तो मैंने आपको जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑलरेडी जो है बता दिया है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।